आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी को दंडित करते हैं तब ऐसे गले में जूते चप्पल माला डली तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन उधम सिंह नगर के बाजपुर के रहने वाले इस शख्स ने अपनी मर्जी से ही अपने गले में जूतों चप्पलों की माला पहनी है। उधम सिंह नगर से लेकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक की इन्होंने यात्रा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स कुछ हाथ में पोस्टर लिए हुए और गले में जूते चप्पलों की माला डालकर यात्रा क्यों कर रहा है और इसका मकसद क्या है। तो आपको बता दें कि इस शख्स का नाम है ओम प्रकाश वर्मा। इनका कहना है कि अपने देश और प्रदेश से अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और नागरिकों की हत्या आदि जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के उद्देश्य से गले में जूतों चप्पलों की माला पहन शांतिपूर्ण सद्भावना यात्रा बाजपुर उधम सिंह नगर देवभूमि उत्तराखंड से प्रारंभ करके नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन, पीएमओ ऑफिस और होम मिनिस्ट्री में मिलकर ज्ञापन और सुझाव देकर यात्रा का समापन किया। देश में जो छोटी छोटी बेटियां बलात्कार करके मारी जा रही, माननीय प्रधानमंत्री जी भी नारा दे रहे हैं इस अभियान को जो है सफल बनाने के लिए, हम उसी के सपोर्ट में और हम व्यथित हैं कि छोटी छोटी बेटियां मारी जाती हैं, उससे आहत होकर उनकी सेवा भाव में मैंने जूतियों की माला पहनी है। संकल्प लिया है कि जब तक हमारे देश की बेटियां मारना बंद नहीं होगा देश में, तब तक हमें जूते की माला पहनेंगे। और इसी सिलसिले में हम बाजपुर से ट्रेन से जाकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी और होम मिनिस्टर साहब को और पीएमओ को हमने ज्ञापन दिया, अपना सुझाव दिया। हमारे पास एक मैटर है, इस तरह सुझाव है कि हम 15 दिन में 99% कैपिटल क्राइम हत्याएं सभी की रोक सकते हैं, वो ज्ञापन हम देके आए। जिस तरह से बीच में यात्रा आपकी चर्चा का विषय बनी, क्या कहेंगे, कितने लोगों से बात हुई? काफी लोगों से बात हुई, समर्थन मिला, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम है, हत्याएं बंद होनी चाहिए बेटियों की। आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग अपनी मासूम बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा महोत्सव मनाने का क्या फायदा। उधम सिंह नगर की विधानसभा बाजपुर से अपनी पत्नी के साथ अपने गले में जूते चप्पल की माला पहन दिल्ली राष्ट्रपति भवन पीएमओ ऑफिस के लिए ट्रेन से रवाना हुए, जिससे ट्रेन यात्रा के दौरान इनकी ये यात्रा एक अनोखी यात्रा के रूप में उभरी जो कि चर्चा का विषय बन गई। उधम सिंह नगर से संवाददाता रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।